क्लास 10th यूपी बोर्ड सिलेबस में कार्बन और उसके यौगिक, जिसको हम लोग बोलते हैं कार्बन तथा उसके यौगिक को, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ये यहाँ से एक नए रसायन की शुरुआत होती है और ये रसायन आपका मुख्य रूप से आगे चल करके कार्बनिक रसायन के नाम से जाना जाता है, जिसे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम से जानते हैं। ये एक चैप्टर जो आपके क्लास 10th में डाला गया है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ये यहाँ पर आपको एक ज्ञान, एक नॉलेज ये देना चाहता है चैप्टर कि आगे चल करके रसायन के क्षेत्र में आप जिसको सबसे अधिक अध्ययन करने वाले हैं उस कार्बनिक रस, मतलब कार्बन से जुड़े हुए उस रसायन का नाम कार्बनिक रसायन होता है। तो कार्बन तथा इसके यौगिक में जो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहला शब्द, तो उसमें मैं आपको बताऊं कि आपका जो रसायन का टर्म होता है वो सबसे पहले एक शब्द आता है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन जिसका नाम होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अभी इस ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात अगर आती है तो इसमें यह बताया जाता है कि कार्बनिक शब्द जो यहाँ से लिया गया है वो कार्बन से संबंधित है, कार्बन से संयुक्त यौगिक के बारे में हम अध्ययन करेंगे। यानी कोई भी ऐसा यौगिक नहीं होगा जो कार्बन नहीं रखता है, तो कार्बन तथा उसके यौगिक को हम किस रसायन के अंतर्गत पढ़ते हैं, कार्बनिक रसायन के अंतर्गत पढ़ें, और उसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। कोई भी कार्बनिक यौगिक ऐसा नहीं होता है जिसमें कार्बन नहीं पाया जाता। तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड जो है वो केमिस्ट्री का बैकबोन माना जाता है और हमारी लाइफ भी कार्बन से संबंधित ही है, क्योंकि अगर कार्बन एक ऐसा स्पेशल अधातु है, हम धातु अधातु वाले चैप्टर में ये पढ़ चुके हैं, वहाँ पर भी मैंने एक लेक्चर आपको दिया है कार्बन से संबंधित, कि कार्बन है तो लाइफ है, कार्बन नहीं है तो लाइफ नहीं हो सकती। अगर इस पृथ्वी पर हमको जीवित रहना है तो कार्बन के बिना हम जीवित नहीं रह सकते, क्योंकि अब ऐसा नहीं कि कार्बन है तो बहुत सारे पोल्यूशन क्रिएट होते हैं तो यहाँ तो लाइफ सर्वाइव करना मुश्किल है। कार्बन से रिलेटेड पोल्यूशन होते हैं, लेकिन कार्बन से रिलेटेड बहुत सारे कार्बनिक यौगिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी होते हैं जो हमारी डेली लाइफ के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं, बहुत ही इसेंशियल होते हैं। ऐसे कार्बनिक यौगिकों के लिए हमें कार्बनिक रसायन का सहयोग लेना पड़ता है। रसायन जो होता है वो मुख्य रूप से तीन चरण में बटा होता है। तो मैं आपको शॉर्ट में बता दूँ कि जो आपका केमिस्ट्री होता है CHEMISTRY, वो तीन पार्ट में अब आपको स्टडी करनी है। जैसे ही आप 10th क्लास के बाद अगली क्लास में आएंगे, मीन्स 11th में जाएंगे, तो ये तीनों सब्जेक्ट का टर्म आपको अलग अलग केमिस्ट्री का मिलेगा। एक केमिस्ट्री आपकी होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक केमिस्ट्री आपकी हो जाएगी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और एक केमिस्ट्री अब आगे हो जाएगी आपकी फिजिकल केमिस्ट्री। इस तरह से आपके केमिस्ट्री में तीन पार्ट आएंगे, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल। ऑर्गेनिक को कहते हैं कार्बनिक, इसको कहते हैं अकार्बनिक, और इसको कहते हैं भौतिक रसायन। इस तरह से आप तीन प्रकार के रसायन का अध्ययन करेंगे, और इसके आगे ये बताया जाता है कि कार्बनिक, अकार्बनिक और भौतिक रसायन जो होते हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ना। तो ये रहा आपके रसायन विज्ञान का वर्गीकरण, यानी ये जो केमिस्ट्री आपकी होती है वो तीन वर्गों में पढ़नी है आपको, कार्बनिक युक्त यानी कार्बन से संबंधित यौगिकों का अध्ययन, अकार्बनिक मतलब अमतलब होता है नहीं, कार्बनिक मतलब कार्बन यानी जो कार्बन युक्त यौगिक नहीं होते हैं उनका अध्ययन, और भौतिक रसायन का मतलब होता है इसके अंतर्गत हम बहुत सारी कार्बन से जुड़े
अकार्बन से जुड़ित यौगिकों की भौतिक राशियां जैसे ताप, दाब, आयतन, सांद्रता, घनत्व, विस्कोसिटी जिसको श्यानता कहते हैं, सरफेस टेंशन जिसको पृष्ठ तनाव कहते हैं, इसके अतिरिक्त कुछ न्यूमेरिकल्स, कुछ डेरिवेशंस जो रसायन के अंतर्गत आते हैं, हम उनका अध्ययन किस विभाग में करते हैं? भौतिक रसायन के अंतर्गत करते हैं। तो जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 है आपके बुक का, ये केमिस्ट्री का, इसमें नाम है कार्बन और उसके यौगिक। ये जो चैप्टर आपका है ये कार्बनिक रसायन के अंतर्गत आता है, जिसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, सॉरी रसायन है, तो यहाँ पे केमिस्ट्री की कंपाउंड की जगह केमिस्ट्री का रख दिया जाए। अब कार्बन से युक्त जो यौगिक होते हैं वो कार्बनिक यौगिक होते हैं, और मैंने अभी यहाँ पर आपको बताया इंट्रोडक्शन में कि जो केमिस्ट्री है वो अब आगे चल कर के 3 भागों में बटेगी जब आप क्लास 11th में जाएंगे, और तीनों का अलग अलग अध्ययन करना होगा, सबके अंतर्गत अलग अलग चैप्टर्स आते हैं। तो कार्बनिक रसायन एक होता है, एक अकार्बनिक रसायन होता है और एक भौतिक रसायन होता है। इसमें मैंने आपको क्या बताया कि कार्बनिक रसायन के अंतर्गत हम कार्बन युक्त यौगिकों का अध्ययन करते हैं, जैसे मेथेन हो गया, जैसे आपका एथेन हो गया, जैसे बेंजीन है, जैसे एल्कोहल के अंतर्गत हम कोई यौगिक पढ़ेंगे, जैसे हम एमाइन पढ़ते हैं। ये सारे जितने भी मैंने आपको एग्जांपल यहाँ पर दिखाए हैं, सभी एग्जांपल में आप देखो क्या कॉमन दिख रहा है, कार्बन 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 कार्बन, सही है। तो ये कार्बन युक्त यौगिकों का है, लेकिन इसमें हम दो लोगों को साथ में लेकर के चलते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन युक्त यौगिकों का अध्ययन करते हैं। इस सभी सूत्र में अगर हम देखें ध्यान से तो एक भी सूत्र ऐसा नहीं है जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन नहीं है। अब जो अकार्बनिक रसायन आपका होता है, जो कार्बन युक्त यौगिकों का अध्ययन नहीं, मतलब इसमें हम आपको बता सकते हैं जैसे SO2 हो गया आपका, KMnO4 हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, हम पढ़ चुके हैं आप भी जानते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है, नाइट्रिक एसिड को आप देख लीजिए, कैल्शियम सल्फेट को आप देख लीजिए। यहाँ पर जितने भी एग्जांपल मैंने आपको ये दिखाए हैं इसमें कार्बन हाइड्रोजन एक साथ नहीं दिख रहे हैं, इसका मतलब हो गया ये अकार्बनिक रसायन के अंतर्गत आने वाले अकार्बनिक यौगिक होते हैं, ये कार्बन युक्त यौगिक नहीं होते। तो हमें इस अध्याय में, अध्याय 4 में, इन यौगिकों का अध्ययन नहीं करना है, हमें इस प्रकार के यौगिकों का अध्ययन करना है जिसके प्रत्येक के अणु सूत्र में कार्बन दिखता है, और इसीलिए हम इनका नाम रखते हैं कार्बन तथा उसके यौगिक। तो इस प्रकार हम कार्बनिक रसायन का जनरल इंट्रोडक्शन करते हैं। तो आपने बताया कि कार्बन की क्या इम्पोर्टेंस है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि कार्बन जो होता है वो प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण अधातु है। इस अधातु की अनुपस्थिति में जीवन संभव नहीं है, क्योंकि पेड़ पौधे तथा प्राणी के प्रत्येक पोषक तत्व जो होते हैं वो कार्बन से निर्मित होते हैं, और प्रोटीन, वसा, एंजाइम, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन जैसे मुख्य और बहुत ही महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिकों का निर्माण कार्बन से ही संभव होता है, जैसा हमने आपको पहले भी बताया। अगर कार्बन है तो ये समस्त यौगिक पाए जाएंगे और ये हमारे शरीर में पाए जाते हैं, और बिना इनके हमारे शरीर में किसी भी क्रिया का संचालन नहीं होता है। प्रोटीन जरूरी है, एंजाइम जरूरी है, विटामिन जरूरी है, कार्बोहाइड्रेट भी बहुत आवश्यक है। इसका मतलब इन द अब्सेंस ऑफ कार्बन देयर इज नो एनी पॉसिबिलिटी ऑफ दीज कंपाउंड्स एंड लाइफ कांट सर्वाइव विदाउट दीज कंपाउंड्स। अगर कार्बन नहीं है तो इस प्रकार के यौगिकों का निर्माण संभव नहीं है, तो हमारा जीवन भी संभव नहीं। अब कार्बन की सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या, कार्बन जो होता है वो एक ऐसा अधातु है जो न तो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है, न इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, बल्कि ये इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है। यही एक ऐसा अपवाद है
कार्बन क्या है? कार्बन एक अपवाद है। कार्बन एक क्या है? अपवाद है। क्यों है अपवाद? क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करता, दूसरा त्याग भी नहीं करता, बल्कि तीसरा इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है। तो इसका मतलब कार्बन क्या है? एक ऐसा धातु है जो सिर्फ इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6 होता है। इसके KLMN कोर्स में चला जाए, सब ज्ञान मैंने आपको दे दिया है, 2 और 4। तो इसके बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन बराबर 4। तो इसकी वैलेंसी पहले निकाला जाए, तो वैलेंसी याद करिए 4। अतः बंध संख्या भी 4 होगी। ये देखिए सब 4 है कार्बन के बाहरी कक्षा। तो कार्बन जो होता है एक ऐसा अपवाद है जो इलेक्ट्रॉन न तो ग्रहण करता है, यहाँ पर चैम्बर में दिखा दें, न तो ग्रहण करता है, न तो त्याग करता है, बल्कि इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है। इसी वजह से कार्बन आपका अपवाद है। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। इसकी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 होती है। इसके बाह्य कोश में अगर 4 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी संयोजकता भी 4 होगी, और यह बंध कितना बनाएगा? 4 बनाएगा। अब मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, उसको अब आप ध्यान से पहले देख लें। कार्बन एक ऐसा तत्व होता है जो एकल को कहते हैं सिंगल, द्वि को क्या कहते हैं? डबल, तथा त्रिबंध, जिसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे? ट्रिपल बॉन्ड, जिसको आप क्या बोलते हो? बंध का निर्माण करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस फॉर कार्बन। कार्बन क्या है? कार्बन एक ऐसा तत्व होता है जो एकल बंध, द्विबंध तथा त्रिबंध का निर्माण करता है। अन्य तत्व ऐसा नहीं करते, वो या तो डबल बनाएंगे या सिंगल बनाएंगे या ट्रिपल या एक आध और भी होते हैं, नाइट्रोजन है चाहे सल्फर है, ऐसे लोग भी बनाते हैं, लेकिन ये कार्बन एक ऐसा यौगिक है जो आपस में एकल बंध भी बना सकता है, कार्बन द्विबंध भी बना सकता है लाइक दिस, और कार्बन त्रिबंध भी बना सकता है लाइक दिस। इस तरह से कार्बन जो है वो श्रृंखलाबद्ध यौगिकों का निर्माण करता है। अब मैं इस पे इस तरह से तो दिखा दिया कि ये एकल बंध है, एकल मतलब आप जान रहे हैं सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड दिख रहा है, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आप समझो। अगर इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया बंध का, तो पूरे यौगिक को आप आसानी से पढ़ सकते हो। तो अभी अभी हमने क्या बताया था कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। तो कार्बन की बंध संख्या कितनी होनी चाहिए? 4। तो कार्बन की संयोजकता 4 है, तो बंध संख्या भी 4 होनी चाहिए। तो चलिए हम कार्बन के बंध संख्या को 4 करते हैं। तो यहाँ देखें इस कार्बन को, कार्बन एक ये जो है यहाँ पर अगर ऊपर नीचे अगर बंध बना दें तो ये देखिए इस कार्बन के 4 बंध हो जाएंगे। इस कार्बन में भी ऊपर नीचे आपने 2 बंध और खींचा तो इस कार्बन के भी 4 बंध हो जाएंगे। इस कार्बन के भी ऊपर नीचे आपने देखा 2 बंध खींचा, तो अब चारों तरफ देखा जाए कोई भी आकृति है, ये सब काल्पनिक आकृति आपने बनाई, हमने बनाई, इसमें बस कार्बन की संयोजकता, चाहे जितने कार्बन का बनाए होगी 2, 4, 5, 10, सब में कार्बन की संयोजकता क्या होनी चाहिए? 4, यानी कार्बन 4 बंध बना ले। तो इसलिए हमने कहा कि जब यौगिक हमने दिखाया है तो चलिए कम से कम इसके नियम के अनुसार उसके 4-4 बंध को गिनकर हम व्यवस्थित करते हैं। तो देखिए इस यौगिक में अब प्रत्येक कार्बन 4 बंध से जुड़ा हुआ है, और ये जो पहला उदाहरण है वो मैंने अभी आपको बताया
एकल बंध वाला जरा देखिए, तो इसमें तीन कार्बन है और तीनों एकल बंध से जुड़े। अब ये जो उदाहरण आपके सामने है इसमें एक द्विबंध दिख रहा है जिसको हम डबल बॉन्ड कहते हैं, तो अब ये द्विबंध वाला उदाहरण यहाँ पर आ जाएगा। अब ये एकल बंध वाला यौगिक नहीं है। यहाँ पे देखिए आपको एक त्रिबंध दिख रहा है, तो ये त्रिबंध वाला यहाँ पे लिखा है, तो ये त्रिबंध के लिए तीसरा उदाहरण आ जाएगा। तो ये रहा एकल बंध का उदाहरण, ये रहा द्विबंध का उदाहरण और ये रहा त्रिबंध का उदाहरण। जितने भी कार्बन किसी भी यौगिक में हो, अभी ये काल्पनिक है। अब हमें एकल बंध युक्त कार्बन की श्रृंखला दिख रही है, द्विबंध युक्त कार्बन है, यहाँ त्रिबंध भी दिखाई दे रहा है और प्रत्येक कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, चार होती है। तो हमें प्रत्येक कार्बन की संयोजकता को चार करना होगा। इस तरह से इस दोनों कार्बन को देखें, दो दो बंध बनाने के बाद चार हो गया। इस कार्बन को अगर हम बंध को गिनना चाहें तो एक बंध, दो बंध, तीन बंध हो चुका है। इसलिए इस पर ऊपर की तरफ तो बंध दिखाएंगे लेकिन नीचे की तरफ बंध नहीं दिखाएंगे, क्योंकि इसके चार बंध हो चुके। इस कार्बन को देखा जाए, इस कार्बन के पास एक बंध इधर है, दो बंध इधर है, तो इस कार्बन के बंध की संख्या तीन हो चुकी है। अब इस कार्बन के साथ अगर एक और बंध बना दिया जाए तो इसकी बंध संख्या हो जाएगी चार, क्योंकि आपको याद होना चाहिए कार्बन की संयोजकता चार होती है, इसलिए बंध संख्या उसकी चार है। वो चाहे जिस भी यौगिक में हो, चाहे वो एकल, द्वि, त्रिबंध युक्त कोई भी यौगिक हो, हर कार्बन की चार संयोजकता होती है, तो चार बंध होना चाहिए। अब ये बंध एकल बंध के रूप में हो, चाहे द्विबंध के रूप में हो, चाहे त्रिबंध के रूप में हो, इसके बंध की संख्या कितनी होनी चाहिए, चार होनी चाहिए। तो इस आधार पर चलिए पहले इस कार्बन का हम लोग बंध संख्या निर्धारित करते हैं। इस तरह से चार हो गया इसका। अब अगर हम इस कार्बन पे आते हैं, कार्बन का अंकन कर दें, ये कार्बन एक, ये कार्बन दो, ये कार्बन तीन और ये कार्बन चार। तो देखिए जो कार्बन दो है उसके पास पहले से चार बंध हैं। कैसे हैं, अंकन करते हैं। इस कार्बन के पीछे एक बंध है और आगे देखिए तीन बंध है, तो इसका मतलब इस कार्बन दो के चार बंध पूर्ण हो चुके हैं। अब इस कार्बन के भी देखिए, कार्बन तीन के यहाँ पर तीन बंध दिख रहे हैं और यहाँ पर एक बंध दिख रहा है, तो कार्बन के कुल चार बंध दिख रहे हैं। तो इस कार्बन के आगे पीछे देखा जाए तो दो ही बंध दिख रहा है, इसलिए एक ऊपर और एक नीचे हम बंध बना सकते हैं। इस प्रकार हमने आपको क्या बताया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात क्या, कि कार्बन जो होता है वो एक ऐसा तत्व होता है जिसकी संयोजकता चार होती है, बंध संख्या भी चार होती है। यही कहानी है कार्बन की और कार्बन के यौगिकों की। अब बात आती है, कार्बन एक ऐसा तत्व होता है जो एकल बंध भी बनाता है, द्विबंध भी बनाता है, त्रिबंध भी बनाता है। इसको हम साल्ट में दिखा दें एक बार और फिर से। देखिए पहला कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, देखिए दूसरा कार्बन कार्बन द्विबंध, देखिए तीसरा कार्बन कार्बन त्रिबंध। यही बात बताई जा रही है कि ये जो कार्बन होता है वो एकल बंध भी बना सकता है, द्विबंध भी बना सकता है, त्रिबंध भी बना सकता है। तो ये उदाहरण मैंने जो दिया, इसमें देखिए उदाहरण एक में प्रत्येक कार्बन सिंगल बॉन्ड एकल बंध से जुड़ा है, इसमें इस एकल बंध के साथ यहाँ पर द्विबंध नजर आता है, इसमें एकल बंध के साथ यहाँ पर त्रिबंध नजर आता है और प्रत्येक कार्बन के साथ चार बंध होने चाहिए। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा था एक लाइन में, क्या जब कार्बन की संयोजकता को संतुलित हम करते हैं चार बंध के द्वारा, तो आपको भी पता है कि कोई भी बंध बनेगा तो उसमें दो समान या दो भिन्न प्रकार के परमाणु होने चाहिए। एक सहसंयोजी बंध बनाने में दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है। अब ये दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी दो समान परमाणुओं के बीच में हो या असमान परमाणुओं के बीच में हो, तो आपको उनके पास दो परमाणु होने चाहिए। तो अगर ये सभी कार्बन हैं तो इस कार्बन के द्वारा जो चार बंध बनाया जाता है, ये हमेशा आज से याद रखिएगा, जब कार्बन की संयोजकता को कोई तत्व संतुष्ट नहीं करता, जब कार्बन की संयोजकता को कोई तत्व संतुष्ट नहीं करता या नहीं होता, तो वहाँ पर
हाइड्रोजन होता है, वहाँ पर क्या होता है कार्बन के साथ हाइड्रोजन होता है, क्योंकि कार्बनिक यौगिक की सबसे बड़ी शर्त यही है कि कार्बन हाइड्रोजन को जब मिलाते हैं तो उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और हमेशा याद रखिएगा इस भाषा को हमारे, कि जब कार्बन का कोई नहीं होता तो उसका हाइड्रोजन होता है। कार्बन का जब कोई तत्व साथ नहीं देता या उसके सूत्र में कोई नहीं होता तो उसकी संयोजकता को आप अपनी मर्जी से किसके द्वारा संतुष्ट करेंगे, हाइड्रोजन के द्वारा करेंगे। हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी होती है, एक होती है, इसलिए जितने भी कार्बन हैं आप एक एक बंद से हाइड्रोजन को संयुक्त कर सकते हैं। तो चलें अगर हम इन्हीं सभी यौगिकों में हाइड्रोजन का सहयोग ले करके सबको कार्बन के चार बंध को संतुष्ट करें, तो देखिए शुरुआत करते हैं एच एच एच, यहाँ ऊपर नीचे भी देखिए हमने दिखाया एच। अब जब कार्बन का कोई नहीं होता तो आपको पता चल गया उस कार्बन का मित्र कौन होता है, हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन और कार्बन को एक साथ मिलाकर हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इस यौगिक में भी देखिए कार्बन की संयुक्ता पर हम H को दिखाते हैं, इन दोनों के पास एक भी अतिरिक्त बंध नहीं है, इसलिए यहाँ पर आते हैं। तो इस तरह से आपके प्रत्येक कार्बन के चार चार बंध के टर्म में कार्बन किसी से भी अगर संयोग किया है तो हाइड्रोजन से किया है। इनमें भी हम लोग ये कर सकते हैं, देखिए कार्बन एक बंध बनाया है तो इसके तीन बंध और होने चाहिए, लाइक दिस, समझिएगा। यहाँ कार्बन दो दो बंध बनाए हैं तो इस कार्बन के दो दो बंध और होने चाहिए, लाइक दिस। इस कार्बन ने तीन तीन बंध बनाया है, तीन के एक एक बंध और होने चाहिए, क्यों, क्योंकि कार्बन के बंध की संख्या क्या होती है, चार। और जितने भी आपने बंध बनाए हैं हर जगह पे कौन सा तत्व होना चाहिए, हाइड्रोजन। कार्बन और हाइड्रोजन को सामूहिक रूप से क्या नाम दिया जाता है, हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। ये देखिए हम लोगों ने प्रत्येक कार्बन यौगिक को संतुष्ट कर दिया हाइड्रोजन के साथ। और आपको याद करने को मैंने अभी क्या बताया, सी एच को सामूहिक रूप से क्या बोला जाता है, हाइड्रोकार्बन कहते हैं, या इन्हीं को हम कार्बनिक यौगिक कहते हैं। यही आपका पेज कार्बनिक यौगिक के लिए सबसे ज़रूरी और सबसे इम्पॉर्टेंट पेज था। अब हम ये जो बातें बताए हैं इसको स्पष्ट करते हैं आपकी स्लाइड के अकॉर्डिंग, तो ये देखा जाए कार्बन से संबंधित जानकारी। तो आपने बताया कि जो कार्बन परमाणु होता है वो कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों प्रकार के यौगिक का निर्माण करता है, कैसे करता है, तो मैं आपको दिखाता हूँ, उदाहरण देखा जाए। अभी अभी उदाहरण पता चला, CH4 C2H5OH, ये 2 है। फिर मैंने कहा CH3Cl, फिर मैंने आपको बताया C6H6, ग्लूकोज का एक सूत्र लिखता हूँ C6H12O6। इसमें एक भी ऐसा उदाहरण नहीं है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन ना हो, यानी C एंड H अगर है तो यही आपका कैसा यौगिक होता है, कार्बनिक यौगिक। अगर C और H एक साथ न हो तो यह क्या कहलाएगा, अकार्बनिक। बस कार्बनिक और अकार्बनिक में ही अंतर है। देखिए HCl, ध्यान दीजिएगा ये Cl है, C नहीं है। H2SO4, हाइड्रोजन तो है कार्बन नहीं है। अमोनिया, ये देखिए NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। पोटेशियम पर मैग्नेट KMnO4, पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, कोई भी ले लीजिए, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम। अब देखिए दोनों प्रकार के यौगिकों में उपस्थित होता है कौन, कार्बन दोनों प्रकार के यौगिकों में उपस्थित होता है। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि कार्बन अगर दोनों कार्बन है, ये कार्बनिक में भी है अकार्बनिक। अकार्बनिक मतलब क्या, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड ले लीजिए, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड ले लीजिए, जैसे कार्बोनिक एसिड H2CO3 ले लीजिए, जैसे हाइड्रोजन साइनाइड, आगे पढ़ेंगे बहुत सारे यौगिक होते हैं, इन सब में भी कार्बन है लेकिन ये सभी अकार्बनिक हैं।
तो दोनों प्रकार के यौगिक में उपस्थित होता है। कार्बन प्रत्येक कार्बनिक यौगिक में श्रृंखलित होकर लंबी श्रृंखला या रिंग का निर्माण करता है। यहाँ पर मैं जो उदाहरण आपको दिखा रहा हूँ, इसमें मैंने एक श्रृंखला बनाई है और यहाँ पर एक बंद श्रृंखला बनाई है। ये कैसी श्रृंखला है? ये खुली श्रृंखला है, ध्यान से देखें, ये खुली श्रृंखला है और ये आपकी बंद श्रृंखला है। अब खुली श्रृंखला और बंद श्रृंखला का कॉन्सेप्ट देखें, ये कार्बन के साथ हम चार चार बंद की व्यवस्था कर दिए, क्योंकि जब कार्बन का कोई नहीं होता तो आपको मैंने बताया था कार्बन का कौन होता है, हाइड्रोजन होता है। तो आप प्रत्येक जगह पे देखिए H लगा दीजिए तो ये आपका कंपाउंड बिल्कुल हरा भरा हो जाता है। अगर इसको और साल्ट में लिखना चाहें तो पहले कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है? 3। दूसरे कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है? 3। इनके बीच में एक बंद बना दीजिए तो इसको साल्ट में ऐसे दिखा सकते। ये देखिए चारों तरफ से घेर दिया गया है, ये चक्रीय हो गया, इसलिए बंद श्रृंखला यौगिक है। कार्बन प्रत्येक कार्बन को देखिए इस बंद श्रृंखला में दो बंद बनाता है, तो कार्बन की संयुक्तता कितनी होती है? वैलेंसी ऑफ कार्बन 4। तो बंद की संख्या कितनी होती है? 4। ये आपको हमेशा याद रखना है। तो इसमें प्रत्येक कार्बन कितने कितने बंद बनाया है? दो दो बंद बनाया है, इसलिए प्रत्येक कार्बन को आप चार चार बंद बना दें और हर बंद पर क्या लगा दें? हाइड्रोजन परमाणु को व्यवस्थित कर दें। H H H H इधर हो गया, इधर भी आप हाइड्रोजन दिखा दें, इधर भी हाइड्रोजन दिखा दें। देखिए जब कार्बन का कोई नहीं होता तो उसका हाइड्रोजन होता है, यही कहानी हाइड्रोकार्बन कहलाती है और यहीं से शुरुआत होती है कार्बनिक यौगिकों की। अब अगर हम इस यौगिक को साल्ट में लिखना चाहें तो आप बिल्कुल अच्छी तरह देखिए, CH2 और इसको ऐसे जोड़ें, क्योंकि प्रत्येक कार्बन के साथ दो दो हाइड्रोजन है और वो बंद श्रृंखला के रूप में होता है। तो मैंने आपको क्या अध्ययन कराया? कार्बन कार्बनिक अकार्बनिक दोनों प्रकार के यौगिकों का निर्माण करता है। जो आपके कार्बनिक यौगिक होते हैं उसमें कार्बन परमाणु आपका श्रृंखला के रूप में भी हो सकता है, बंद श्रृंखला के रूप में भी हो सकता है। इसके हम और भी अतिरिक्त उदाहरण दे सकते हैं आपको, ये देखते हैं, इसके अतिरिक्त हम आपको उदाहरण दें। आप पहले इसकी संयोजकता के आधार पर चलें, इनकी संयोजकता को आप संतुलित कर लें। पहले आप बंद खींचे थे, अब आप मान के चलिएगा कि यहाँ पर हाइड्रोजन है। अब देखिए एक श्रृंखला मैं इस तरह से बनाता हूँ, जितने टर्म में जाएंगे प्रत्येक कार्बन के कितने कितने बंद होने चाहिए, ये देखिए अपनी मर्जी से हम आप करने लगे। कार्बन की संयुक्तता चार चार बंद के हिसाब से हो गई। हर कार्बन के साथ कौन सा तत्व जुड़ा होना चाहिए? हाइड्रोजन। तो प्रत्येक के साथ क्या लगा दिया जाए? H लगाया जाए। अब देखिए एक संरचना को आप लिखना सीखें, अभी बाद में देखा जाएगा इसका नाम क्या है, पहले संरचना हो गई। कार्बन का कोई नहीं होता तो क्या होता है? हाइड्रोजन होता है। सारे खुश, सबकी संयुक्तता संतुष्ट हो गई। अब हम आपसे ये पूछना चाहते हैं ये क्या खुली श्रृंखला है? तो बोलेंगे हाँ ये खुली श्रृंखला है, इस तरह से। तो इसमें पहले कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है गिन लिया जाए? 3 हाइड्रोजन। यहाँ लास्ट कार्बन के साथ देखिए कितने हाइड्रोजन है? 1, 2, 3 हाइड्रोजन। बीच में अब देखिए 3 और कार्बन है जिनके साथ ऊपर नीचे मिला करके 2-2 हाइड्रोजन है। तो अगर हम इस यौगिक को बनाए तो ध्यान दीजिए इसका हम सूत्र साल्ट में क्या लिख सकते हैं, ये दिखाते हैं आप। पहले कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन तो ये हो गया CH3, दूसरे के साथ 2, तीसरे के साथ 2 हाइड्रोजन, चौथे के साथ भी 2 हाइड्रोजन और लास्ट वाले के साथ 3 हाइड्रोजन। इसको हम साल्ट में इस तरह से लिखते हैं। अब हम एक बंद श्रृंखला का भी उदाहरण देते हैं। जैसे हम आपको बता रहे थे ये कार्बन देखिए इस तरह से जुड़ता है, ये लीजिए प्रत्येक कार्बन के चार चार बंद होते हैं, आप इसके चार चार बंद बना दीजिए क्योंकि 4 से कम तो होना नहीं चाहिए। अब मैंने बंद श्रृंखला का एक उदाहरण आपके सामने दिया, इस बंद श्रृंखला में अब आप हर कार्बन की संयुक्तता पर किस तत्व को लगाना चाहेंगे? हाइड्रोजन को। तो आप प्रत्येक कार्बन के साथ 2-2 हाइड्रोजन बाहर की तरफ दिखा रहे हैं, क्योंकि
प्रत्येक कार्बन की संयोजकता 4 होती है। और आपने अभी सुना जब कार्बन का कोई नहीं होता तो उसका हाइड्रोजन होता है। तो कार्बन के द्वारा जो कार्बनिक यौगिकों का निर्माण किया गया है या होता है, जिन्हें हम हाइड्रोकार्बन और कार्बनिक यौगिक के रूप में पढ़ते हैं, उसमें मैं आपको सबसे पहले ये बता रहा था कि कार्बन जो होता है वो आपके डेली लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट अधातु माना जाता है। कार्बन की सबसे बड़ी विशेषता क्या पढ़ा गया, ये इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करता है, यानी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके ये सहसंयोजी बंध का निर्माण करता है। सहसंयोजी बंध दो परमाणुओं के बीच, चाहे वो समान हो या असमान हो, इलेक्ट्रॉनों की बराबर साझेदारी से बनता है। अगर दो परमाणु एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं तो एकल बंध यानी सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, दो दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं तो द्विबंध यानी डबल बॉन्ड बनाते हैं, और अगर तीन तीन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं तो त्रिबंध यानी ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस तरह से कार्बन केवल एक ही प्रकार के बंध का निर्माण करता है जिसे हम सहसंयोजी बंध कहते हैं, और यही इसकी संयोजकता भी होती है। हमने बहुत सारे अभी कार्बन के उदाहरण देखे हैं, ये खुली श्रृंखला के भी यौगिक बनाता है और बंद श्रृंखला के यौगिक भी बनाता है। तो आइए कुछ कार्बन से संबंधित और जानकारी हम लेते हैं। कार्बन 4 सहसंयोजी बंध का निर्माण करता है, क्योंकि कार्बन के बाह्य कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये सारा कॉन्सेप्ट हमने आपका क्लियर कर दिया है। अपना अष्टक पूरा करने के लिए कार्बन 4 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है, और मैं आपको बताता हूँ कार्बन के पास ये जो 4 इलेक्ट्रॉन हैं वो अगर इस तरह से जुड़ जाए, आपस में ऐसे दिखाए गए हैं, और इस कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन इधर एक ऊपर एक नीचे, इस तरह से 4 बंध का निर्माण करते हैं अगर एकल बंध होता है तो। दो कार्बन परमाणु अगर इस तरह से हैं तो पहले अगर वो आपस में द्विबंध बनाते हैं तो अपने इलेक्ट्रॉनों से एक एक बंध इधर इधर बनाएंगे। ये मैं कार्बन के इलेक्ट्रॉनों को दिखाता हूँ, और ये इलेक्ट्रॉन आपस में साझेदारी करते हैं और इस तरह से द्विबंध का निर्माण करते हैं। अगर दो कार्बन परमाणु को आपस में त्रिबंध का निर्माण करना है तो इनके तीन तीन इलेक्ट्रॉन परस्पर संयोग करेंगे और त्रिबंध का निर्माण करेंगे इस तरह से। तो जब कार्बन एकल बंध का निर्माण करता है तो दो कार्बन परमाणु में एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, बाकी कार्बन अपने तीन इलेक्ट्रॉनों से तीन तरफ किसी और परमाणु के साथ इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है। इस तरह से कार्बन जो होता है वो एकल बंध का निर्माण करता है। तो दो कार्बन के बीच में एकल बंध, द्विबंध, त्रिबंध बनता है, जैसा हम लोग यहाँ पर देखते हैं। ये एक उदाहरण अलग है जिसमें यहाँ पर मैंने ये संरचना बनाई है। अगर इस कार्बन के साथ हम 4 हाइड्रोजन लगा दें, ये नॉलेज हम आपको दे चुके हैं, तो ये एक CH4 यौगिक बनेगा। यहाँ पर भी दो कार्बन के बीच में देखिए कौन सा बॉन्ड है, एकल बंध है, यहाँ पे लिखा हुआ एकल बंध। अब इनके साथ हम किसका संयोग करें, जब कार्बन का कोई नहीं होता तो उस कार्बन का कौन होता है, हाइड्रोजन होता है। यहाँ पर कार्बन आपस में द्विबंध से जुड़ा हुआ है तो इसके दो बचे हुए बंध पे दो दो हाइड्रोजन करके हम लगाते हैं, इस तरह से दो कार्बन आपस में द्विबंध से संयुक्त होते हैं। यहाँ त्रिबंध है तो दोनों कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन होता है। अगर इन बने हुए हम यौगिकों को उनके सूत्रों के आधार पर व्यवस्थित करते हैं तो ये आपका एक कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ है, तो इसका सूत्र क्या हुआ, CH4। यहाँ पर दो कार्बन है तो हम इसको लिख सकते हैं C2। अगर देखा जाए तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 हाइड्रोजन है, तो इसका अणु सूत्र क्या होगा, C2H6 होगा। इसमें ध्यान से देखा जाए, दो कार्बन हो गए, इस कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन, इस कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन, तो इसका सूत्र क्या हो गया, C2H4 हो गया। इस तरह दो कार्बन यहाँ पर हैं और दोनों के साथ एक एक हाइड्रोजन है, तो ये C2H2 करके इसका सूत्र यहाँ पे हो गया। तो जब दो कार्बन आपस में
सिंगल बॉन्ड बनाते हैं यानी एकल बंध बनाते हैं, तो उस समय तीन तीन हाइड्रोजन इसके साथ और जुड़ेंगे। जब दो कार्बन आपस में द्विबंध बनाते हैं तो दो दो हाइड्रोजन और संयुक्त होंगे। अगर दो कार्बन आपस में त्रिबंध बनाते हैं तो एक एक हाइड्रोजन इनसे और संयुक्त होंगे। इस प्रकार कार्बन जो होता है वो चार बंध का निर्माण करता है, जिसमें एकल बंध भी बना सकता है, द्विबंध भी बना सकता है, त्रिबंध भी बना सकता है। अब कार्बन जितने भी बंध आपस में बना ले उसकी शेष संयोजकता पर हम हाइड्रोजन को बंध के द्वारा जोड़ते हैं। तो एक साधारण सा उदाहरण मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, वो ये कि हम एक यौगिक अपने तरीके से लिखते हैं और हम उसके आधार पे कुछ बताते हैं आपको, कि जैसे यहाँ पर हमने कार्बन कार्बन की एक श्रृंखला बनाई, यहाँ पर हमने डबल बॉन्ड लिया, यहाँ पर हमने ट्रिपल बॉन्ड लिया, फिर यहाँ पर कार्बन को ऐसे हमने एक श्रृंखला बनाई। हमने निश्चित नहीं किया कि हम कितने कार्बन की श्रृंखला बना रहे हैं या क्या कर रहे हैं। अब हमें क्या करना है ये हम आपको बताने जा रहे हैं कि कार्बन परमाणु के इस श्रृंखला को देखा जाए तो एक प्रश्न ये उठता है कि क्या इसमें कार्बन एकल बंध, द्विबंध, त्रिबंध सब प्रदर्शित कर रहा है। तो आप देखें इस संरचना को तो आपको लगेगा कि हाँ, दो कार्बन के बीच में अगर एकल बंध भी है तो द्विबंध भी कहीं नजर आता है, त्रिबंध भी कहीं नजर आता है। तो इसका मतलब हो गया कि इस श्रृंखला में जो हमने एक बड़ी श्रृंखला कार्बन की बनाई है, इसमें एकल बंध भी है, द्विबंध भी है, त्रिबंध भी। अब कोई भी कार्बन, चाहे वो एकल बंध से जुड़ा है, चाहे वो द्विबंध से जुड़ा है, चाहे वो त्रिबंध से जुड़ा है, हमें ओवरऑल क्या जानना था, क्या हम जानते हैं कि कार्बन की संयोजकता चार होती है और कार्बन चार से अधिक बंध का निर्माण नहीं कर सकता, लेकिन वो अपनी चार संयोजकता को पूरा करेगा और चार संयोजकता को पूरा करने के लिए वो बंध का निर्माण करेगा। किसी भी कार्बन की अगर संयोजकता आपके यौगिक में अधूरी रह गई या कार्बन की संख्या बंध संख्या चार से कम हो गई तो इसका मतलब आपका यौगिक और सूत्र गलत है। इसलिए आपको ध्यान देना होगा कि प्रत्येक कार्बन के पास चार बंध होने चाहिए। अब वो चार बंध एकल बंध में हो या द्विबंध से भी संबंधित हो सकते हैं या त्रिबंध से भी संबंधित हो सकते हैं, तो उसके बंध की संख्या चार होनी चाहिए। और अगर कार्बन की बंध संख्या के साथ कोई आकर के संयोग नहीं करता है तो फिर एक प्रॉब्लम क्या है कि आपको वहाँ पर अपनी इच्छा से हाइड्रोजन परमाणु को लगाना है और हाइड्रोजन की संयोजकता एक होती है, इसलिए हाइड्रोजन परमाणु जो होता है वो कार्बन के साथ एक बंध का निर्माण करेगा। ये आपको अच्छे से आना चाहिए। अब हम चलते हैं कार्बन एक को देखें तो इसके आगे पीछे मिला करके दो बंध हैं, इसलिए हमको यहाँ पर दो और बंध लगाना होगा तो कार्बन के बंध की संख्या चार होती है। इस कार्बन दो के पास देखें तो दो अगल बगल बंध हैं, तो दो बंध अगर आप इस पे और बनाएंगे तो इस कार्बन की संयोजकता चार और बंध संख्या भी चार। उसके बाद वाले कार्बन पे आए तो कार्बन की तीसरा जो ये है इसके पीछे एक बंध है और इसके आगे दो बंध है, तो अगर हम यहाँ पर एक बंध और बना दें तो इस कार्बन की भी संयुक्तता चार, बंध संख्या चार। इसी तरह इस कार्बन चार को देखें तो पीछे दो बंध है, आगे एक बंध है, तो इस पर एक और बंध आपने लगा दिया, इसके बंध की संख्या भी चार। अब ये कार्बन पांच पे आइए, पीछे इसके एक बंध है, आगे इसके तीन बंध है, कुल मिला के इसके पास चार बंध हो चुके हैं। तो इस कार्बन पर और इसके आगे वाले इस कार्बन पे पहले से देख लीजिए दोनों के पास चार चार बंध हो चुके हैं, इसलिए इन दोनों को अब अतिरिक्त बंध की जरूरत नहीं है। अब लास्ट कार्बन पे आइए, इसके आगे पीछे मिला करके दो बंध हैं, तो आपको यहाँ पर दो और बंध लगाना पड़ेगा। इस आधार पर आपका कार्बन, प्रत्येक कार्बन चाहे वो एकल बंध वाला था, द्विबंध वाला था, त्रिबंध वाला था, अब प्रत्येक की संयुक्तता चार हो गई और प्रत्येक की बंध संख्या भी चार हो। इस प्रकार अब हम क्या करने जा रहे हैं, हमने आपको बताया कि जब कार्बन के साथ कोई और तत्व नहीं होता तो चूंकि यौगिक का नाम हाइड्रोकार्बन होता है तो कार्बन का जब कोई नहीं होता उसका हाइड्रोजन होता है, ये बात आपको हमेशा याद करनी है। हाइड्रोजन को लगाते हैं, इधर देखें एक एच,
2H 3H, पहले कार्बन के साथ 2H, इस कार्बन के साथ एक एक H, देखिए यहाँ पर इनके साथ, इन दोनों के साथ कोई अतिरिक्त H नहीं रहेगा, और इसके साथ अगर देखा जाए तो 3H हम लोगों को लगाना। इस तरह से जो हमने आपको संरचना बताई, इस संरचना में आप देखिए सारे कार्बन बिल्कुल हरे भरे हैं, सभी तंदुरुस्त हैं, सबके पास चार चार बंद हो गए और सबकी संयुक्तता पूर्ण हुई। अगर हम आप चाहें तो हाइड्रोजन की संख्या, कार्बन की संख्या को साल्ट कट में कैसे लिख सकते हैं ये भी हमको पता है। पहले कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन हैं, तीन हैं, तो हमने क्या लिखा यौगिक में, CH3। फिर सामने देखिए एकल बंद है, तो इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन दो हैं, तो मैंने दूसरे कार्बन के साथ लिखा CH2। उसके आगे भी सिंगल बॉन्ड है, तो इस तरह से आप सिंगल बॉन्ड करें, इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है तो CH। अब इस कार्बन के आगे देखिए डबल बॉन्ड है, तो आप डबल बॉन्ड लगाइए, इस कार्बन के साथ एक एच है, तो आप देखिए कितना सिंपल है, लिखा आपने CH। इसके आगे आप देखिए फिर एकल बंद है, ये कार्बन आया, फिर त्रि बंद है, फिर ये कार्बन आया, फिर इसके आगे कार्बन के साथ तीन हाइड्रोजन है ये, तो आपको वास्तव में साल्ट टर्म में इस तरह से भी अपने बड़े यौगिक को कंडेंस करके लिखना होता है। और इसके साथ साथ हम इसका साल्ट फॉर्म फार्मूला भी कैसे लिख सकते हैं, अब देखिए साल्ट फॉर्म फार्मूला क्या होता है, जिसको हम अणु सूत्र कहते हैं। अणु सूत्र का मतलब, जैसे अभी हमने क्या बोला कि हमने लिखा C2H6, ये इसका अणु सूत्र हो गया, यानी हमने लिख दिया इस तरह से C5H12, तो ये अणु सूत्र हो गया। इसमें आपको बंध को प्रदर्शित नहीं करना है, तो इसमें जितने कार्बन है उनको एक साथ गिन लिया जाए, पहले उनको लिखते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन हो गए, तो इस तरह से आपने लिखा 7 कार्बन हो गए। हाइड्रोजन की संख्या को गिना जाए तो 3 2 5 1 6 1 7 और 3 10, तो यहाँ पर हमने H लिख करके 10 लिख दिया, ये इसका क्या हो गया, अणु सूत्र हो गया। तो संरचना सूत्र दो तरह से इसका बनाते हैं, इसको संरचना सूत्र कहते हैं, स्ट्रक्चरल फार्मूला कहते हैं। जब बंध दिखाई दे तो वो संरचना सूत्र है, और जब बंध ना दिखाई दे, सारे लोग एक साथ इकट्ठे दिखाई दे, तो वो इसका अणु सूत्र होता है। तो इस प्रकार जो मैंने आपको ये बड़ा उदाहरण दिया, इसमें अब ये सारे उदाहरण अगर आप देखें जो हम लोगों ने अभी पढ़ा है, तो ये छोटे हैं। इनमें मैंने एक ऐसा उदाहरण दिया आपके सामने जिसमें एकल बंद भी है, द्विबंध भी है और त्रिबंध भी है। तो इस प्रकार जो आपका कार्बन है, ये एकल बंद, द्विबंध, त्रिबंध बनाने के बाद भी अपने हाइड्रोजन की मदद से अपनी चार संयुक्तता को पूर्ण करता है और यौगिक का निर्माण करता है। अब हम इसके आगे यही बताना चाह रहे थे कि कन्फर्म हो गया कि आपका कार्बन एकल बंद से भी जुड़ता है, आपका कार्बन देखिए द्विबंध से जुड़ता है, यहाँ पर दो उदाहरण, और आपका ये कार्बन देखिए त्रिबंध से भी जुड़ता है, और ये सब अलग अलग आपने बताया। हमने एक ही उदाहरण ऐसा लिया जिसमें आपने ये देखा क्या कि आपका जो यौगिक है एकल बंध, द्विबंध, त्रिबंध एक ही साथ प्रदर्शित करता है। तो एक बड़ी श्रृंखला को हमने देख लिया, कार्बन की मदद कौन करता है बार बार, हाइड्रोजन करता है। इन सारे सूत्रों को क्या बोल रहे थे, संरचना सूत्र, और इस तरह के सूत्र को क्या बोलते हैं, अणु सूत्र। इस तरह से अब हम लोग अपना टॉपिक आगे बढ़ाते हैं। अब इसमें हम कहना चाह रहे थे कार्बन चार एकल बंध, कार्बन जो होता है वो आपका, कार्बन जो होता है वो चार एकल बंध भी बना सकता है, इस तरह से कार्बन चार एकल बंध बना सकता है, द्विबंध भी बना सकता है, त्रिबंध भी बना सकता है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये देखा जाए अपनी संयोजकता से अधिक बंध नहीं बना सकता। यानी अगर हम ऐसे कहें कि दो कार्बन आपस में डबल बॉन्डेड थे और इधर हमने ऐसे लिख दिया, तो ये आपकी संरचना क्या है, गलत। आपकी संरचना ये गलत क्यों हो गई, आप एक कार्बन के साथ बंध की संख्या गिन सकते हैं। अब बंध की संख्या अगर आपको गिनना है तो ये भी मैं आपको गिन के दिखा सकता हूँ कैसे। एक बंद हो गया, दो बंद हो गया, ये तीसरा बंद हो गया, ये चौथा बंद हो गया, और ये पांचवा बंद, इस कार्बन के पांच बंद। इसी तरह इस कार्बन का भी देखो आप, एक बंद, दो बंद, तीन बंद, चार बंद, और ये पांचवा बंद। तो प्रत्येक कार्बन कितना बंद बना लिया इस रचना में,
5, जबकि कार्बन की संयुक्तता कितनी होती है 4। इसलिए ये पॉइंट भी आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अपनी संयोजकता से अधिक बंध का निर्माण नहीं कर सकता, कम भी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसकी संयुक्तता जब पूरी नहीं होगी तो आपका यौगिक भी गलत हो जाएगा। और सहसंयोजी बंध का निर्माण अयुग्मित इलेक्ट्रॉन करते हैं, ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉनों को अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और अगर एक कक्षक में दो इलेक्ट्रॉन इस तरह से हो जाते हैं, ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, ये भी इलेक्ट्रॉन है, इसकी एक की दिशा ऊपर और एक की दिशा नीचे, इस तरह से हम इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था करते हैं। ये क्लॉकवाइज घूमता है, ये एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। और ये जो गोल सा बना हुआ है इसको हम बोलते हैं कक्षक, और अंग्रेजी में इसको कहते हैं ऑर्बिटल। इस तरह से आपने पढ़ा होगा, इस कक्षक में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन आप ध्यान से देखें, यहाँ कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन है, और अगर हमने यहाँ हाइड्रोजन लगाया है तो हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन से साझेदारी करेगा। तो ये जो अकेला इलेक्ट्रॉन होता है इसको कहते हैं अकेला इलेक्ट्रॉन, और अकेला इलेक्ट्रॉन को ही हम कहते हैं क्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। और हमेशा याद रखिएगा, किसी भी तत्व का अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ही होना चाहिए अगर उसे सहसंयोजी बंध बनाना है। युग्मित इलेक्ट्रॉन, अब यहाँ पर दो नहीं, ये युग्मित नहीं है, इसमें अलग अलग दो बंध बनाया है, इसलिए दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि हमने एक इलेक्ट्रॉन दिखाया यहाँ पे, इसको कहते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर देखिए, इस कक्षक में या इस कक्षक में देखा जाए तो ये आपके कैसे होंगे, युग्मित इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन को हम तीर से व्यक्त करते हैं, हाफ एरो से भी दिखा सकते हैं यहाँ देखिए, और कंप्लीट एरो से भी दिखा सकते हैं। एक कक्षक में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक के चक्रण की दिशा अपवर्ड होती है यानी ऊपर होती है, और एक के चक्रण की दिशा नीचे होती है। इस प्रकार से हम कार्बनिक यौगिकों में कार्बन का ध्यान रखते हुए और उसके अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर हम बंध का निर्माण करते हैं। तो ये 5 बातें बहुत ज़रूरी थी। अब हम आगे बढ़ते हैं टॉपिक में।